चुनावी माहौल जिखोर सियासी मुलाकात ने चढ़ाया पारा सीएम भगवंत मान नू मिले अकाली विधायक सुखविंदर सुखी कहा शहीद भगत सिंह के नाम से मेडिकल कॉलेज की रखी मांग मुंबई च वड्डी रैली जरिए इंडिया गठजोड़ ने किया शक्ति प्रदर्शन राहुल गांधी ने पीएम मोदी से साधा निशाना कहा ईवीएम सीबीआई ते ईडी छह राजा दी आत्मा मोदी सिर्फ एक मुखौटा प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस से निशाना कहा यूज एंड थ्रो दी नीति ते इंडिया गठजोड़ दे लीडर्स नु वरत रही कांग्रेस पर असी चलते हां सबनों नाल लेके रूस एक बार मुड़ बनी पुतिन की सरकार लगातार पंजी बार जीती राष्ट्रपति चोन साल 1999 तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वजो पुतिन को लगातार कायम है रूस की सत्ता शहीद कांस्टेबल अमृतपाल सिंह का आज अंतिम संस्कार मुकेरिया के पिंड जंडौर च दिती जाएगी अंतिम विदाई तीन साल पहला शहीद अमृतपाल का होया सुपिया राणा मंसूरपुरिया की गोली नाल अमृतपाल की हुई मौत रेड करन गई सीआईए टीम ते बदमाश ने की सिफारिश पुलिस ने मुलजम राणा मंसूरपुरिया से रखा 25,000 का इनाम जेल गया अलवेश यादव नोएडा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेजा सप्पां के जहर मामले च हुई है गिरफ्तारी राजस्थान के अजमेर च वापरिया रेल हादसा मालगड्डी नाल टकराई साबरमती एक्सप्रेस जाए नुकसान तो रहा बचा लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब पुलिस मुस्तैद डीजीपी गौरव यादव ने उच्च अधिकारियों नाल की वर्चुअल मीटिंग सुरक्षा प्रबंधा का लिया जायजा शहर शहर फ्लैग मार्च के दिए गए निर्देश अकाली दल की पंजाब बचाओ यात्रा आज 3 बजे बठिंडा पहुंचेगी यात्रा सुखबीर सिंह बादल ने नाल मौजूद रहेंगे हरसिमरत कौर बादल मीथेयर ने संगरूर के पिंड चन्नो तो की लोकसभा कैंपेन की शुरुआत वाफक पिंड किया प्रचार बोले सरकार विकास कामों के नाम से मंगांगे मोगा पहुंचे फरीदकोट तो लोकसभा उम्मीदवार करमजीत अनमोल मोगा तो बाद फरीदकोट पहुंच बाबा शेख फरीद हुए नतमस्तक सरबत ने भले की अरदास समराला च पार्टी के दफ्तर पहुंचे आप के लोकसभा उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह जी भी पार्टी वर्करा ने किया परवा स्वागत कहा लोगों की भलाई लिए काम कर रही मान सरकार डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास पहुंचे प्रताप बाजवा बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों की मुलाकात सोशल मीडिया से साझी की अमृतसर के पिंड बलकलां च कुछ लोगों ने गोली मार के एक शख्स को किया जख्मी कुछ समा पहला ही विदेश तो आया है कुलविंदर सिंह मोहल्ले च गड्डी खड़ी करने लैके होया से पूरा विवाद कंडक्टर की कुटमार जख्मियों को गंभीर हालत अस्पताल च करवाया दाखिल बस कंडक्टर मुताबिक कुछ नौजवानों ने उन्होंने की लुटखोट फजिलका की रामपुर कॉलोनी च परिवार से हमला हादसे के शिकार हुए नौजवान बचाने गया सेगा परिवार नेड़े चल रहे ब्यास समागम च आए कुछ नौजवानों ने परिवार से किया हमला जीरकपुर के बलटाना स्नैचिंग की वारदात घर के गेट से खड़ी महिला को गल्लां उलझा के चपटमारा ने खोई जींस सिटी कैद की तस्वीरें अंबाला च घर वापस जा रही महिला नाल चपटमारी दो बाइक सवार महिला का पर्स खोके हुए फरार नारायणगढ़ के वार्ड 10 का मामला सीसीटीवी के आधार से पुलिस कर रही मामले की जांच तरन तारण के मंड खेत एक्साइज विभाग का वड्डा एक्शन वड्डी गिनती च नजायज शराब और लाखों किया नष्ट 6 ड्रम 32 तिरपाला भी कीतिया जब्त कोटपुरा की अनाज मंडी च आड़त की दुकान चोरी दुकान की छत तो दाखिल होया चोर गले च पई 25 से 30 हज़ार की नकदी की चोरी जलंधर च कक्कड़ 8 दुकान चोरों ने बनाया निशाना घटना सीसीटीवी हुई कैद 1 लाख रुपये लुटकी हुई फरार जलंधर च घर के बाहर खड़ी एक बाइक चोरी मिनटा च ही बाइक लै गए चोर छुट्टियां से अपने घर आया होया है बाइक का मालिक तरन तारण सुनियारे दुकान च हुई चोरी 7 किलो चांदी और सोने के गहने लैके चोर हुए फरार चोरी चोरों ने खिड़की तोड़ के घटना दिता अंजाम नवांशहर के वाहेगुरु नगर च चोरों ने NRI की कोठी बनाया निशाना 22 लाख रुपये का सामान किया चोरी जाते हुए पासपोर्ट भी लै गए चोर होशियारपुर के शहर तलवाड़ा के सुरेंद्रपाल हुए ऑनलाइन ठगी का शिकार म्यूचुअल फंड चो कटे गए 7,20,000 रुपये पीड़ित ने पुलिस को की शिकायत मामले की जांच की फरीदकोट के नंगल एनक्लेव च खस्ता हालत च मकान की डिगी छत हेठां दबे दो बच्चों चो एक की मौत एक की हालत गंभीर गोहाना के रुखी पिंड कोल उसारी अधीन पुल से काम कर रहे एक शख्स की मौत पुल हेठां ट्रेन लंघन कारण लग्या करंट पुल तो हेठां डिगन कारण गई पठानकोट जम्मू हाईवे से बिजली की तारा की लपेट च आया ट्रक लगी भयानक अग ट्रक मालक ने मुआवजे की की लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जलंधर पुलिस कमिश्नर ने कई थावां ते की छापेमारी नाजायज शराब के हुक्के की की बरामदगी कई लोगों ने भी किया राउंडअप चोन जाबता लागू होने पर पटियाला जिला प्रशासन ने असला धारकों को की अपील 22 मार्च तक असला पुलिस स्टेशन जमा करवाने दिए निर्देश करनाल च मेरठ रोड से पराली लेके जा रहे ट्रैक्टर ट्राली चालक तो बदमाशा ने मंगे पैसे मना करने से मोटरसाइकिल सवार नौजवानों ने ट्रैक्टर ट्राली में लगाई अग ट्रैक्टर च सो रहे चालक के दो साथियों ने मुश्किल से बचाई जान बदमाश मौके पर मिल पड़ा गुरदासपुर के पिंड कलेर कला के नौजवान ने ट्रैवल एजेंट से धोखाधड़ी का लगाया इल्जाम 2 महीने अंदर काम मिलन का कह के एजेंट ने भेजा से कुवैत नौजवान तो लए 1,70,000 रुपये केंद्र सरकार तो मदद की लगाई गुहार
लुधियाने कुमार मंडी इलाके एक महिला ने सहुरे खिलाफ खोलिया मोर्चा। पेका परिवार नाल मिल के सहुरे घर के बाहर लगाया धरना। कहा पति की मौत तो बाद बच्चा समेत घरों कढ़िया बाहर। पठानकोट के सरहदी पिंड मट्टी नेड़े मिलिया पाकिस्तानी गुब्बारा। उपर लिखा होया है PIA। पुलिस वालों की जा रही जांच। पंचकुला च माता मनसा देवी मंदिर च नतमस्तक हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी। सूबे के लोगों के चंगे भविष्य की कामना। कहा प्रधानमंत्री मोदी च वध्या लोगों का भरोसा। राजपुरा च 31 मार्च को करवाया जाएगा दस्तार एक खालसा प्रोग्राम। SGPC मैंबर सुरजीत सिंह गढ़ी ने दी जानकारी। दस्तार सजाने के मुकाबलों पहले नंबर से आने वालों को 31,000 रुपये का दिता जाएगा इनाम। राजपुरा के बनोड़ विखे कबड्डी कप सुखबीर सिंह बादल ने मुख मेहमान वजू की शिरकत। खिडारियों को दिए गए इनाम। पहले नंबर से आने वाली टीम को 2.5 लाख रुपये का इनाम। महिला प्रीमियर लीग RCB दी कुड़ियों का जबरदस्त कमाल। फाइनल च दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकटों नाल हरा के रचा इतिहास। 16 साल बाद पहली बार बनी चैंपियन। WPL के फाइनल च पहुंची दिल्ली कैपिटल्स को लगातार दूजी बार मिली हार। DC ने RCB को 114 दौड़ा नाल दिता सीगा टारगेट। बेंगलुरु ने 19 ओवरों च ही 115 रन बना के अपने नाम किया मैच। सिद्धू मूसे के छोटे भरा के जन्म से मूसा पिंड की हवेली च जश्न देर रात तक रहा जारी। मूसेवाला के फैंस ने कल ही मनाई होली ते की जबरदस्त आतिशबाजी। पंजाबी सिंगर अफसाना खान ने सिद्धू मूसेवाला के छोटे भरा के जन्म से नच गा के मनाई खुशी। परिवार नाल मिलकर कटिया केक। सिद्धू मूसेवाला के गाने से जम के किया डांस। उदास मान ने भी मूसेवाला के परिवार को दी बधाइया। बठिंडा के अस्पताल पहुंच के बलकौर सिंह जमकौर सिंह नाल की मुलाकात। मूसेवाला के परिवार को बधाई देने राजा वड़िंग भी पहुंचे अस्पताल। जफ्फी पा के पिता बलकौर सिंह को दी शुभकामनाएं। वड़े सियासी आगुओं ने भी दी मूसेवाला के पिता को बधाई। प्रताप बाजवा ने ट्वीट कर लंबी उम्र की कामना। मनप्रीत बादल ने भी दी शुभकामनाएं।